अभी ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर पार्ट को डिस्कस करें नॉर्मल बेसालिस का। नॉर्मल बेसालिस में सबसे पहले ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के एंटीरियरली जो ग्रूव होता है ना, यहाँ पर ये एंटीरियरली हमें छोटा सा ग्रूव दिख रहा है, ये होता है हमारे पास, यहाँ से भी आया लेकिन यहाँ से थोड़ा बंद है उसको, या इसको आप कह सकते हैं। ये हमारे पास एंटीरियरली जो ग्रूव होता है इसे एंटीरियर कॉन्डाइलर फोरामेन या हाइपोग्लॉसल कैनाल कहते हैं। पोस्टीरियरली भी ग्रूव्स होते हैं जिसे पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल कहते हैं। ये फोरामेन मैग्नम है। अब पीछे अगर हम आए तो एक जिस तरह इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस होती है, फिर एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रेस्ट होती है। यहाँ पर नकल लाइंस होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर नकल लाइन, और एक हायर कभी कभी प्रेजेंट होती है। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट ये रह गया था हमारे पास कि ऑसिपिटोमेस्टॉइड एक सूचर होता है, ऑसिपिटोमेस्टॉइड और पेराइटोमेस्टॉइड सूचर होता है, और इस पॉइंट को हम एस्टीरियन कहते हैं, ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर। अच्छा, अब पीछे ना पीछे हमारे पास जो ऑसिपिटल नॉर्मा ऑसिपिटालिस, जो नॉर्मा ऑसिपिटालिस होता है ना उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर्स होते हैं और एक सेजिटल सूचर आ रहा होता है। ये ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर है और इसी के ऊपर जब कैप लगती है तो सेजिटल सूचर आ रहा होता है। इनके दरमियान एक इंटरपराइटल हमारे पास बोन होती है, इंटरपराइटल बोन होती है। ये हमारे पास इस पर हम बेसिकली यही एडिट।